ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एलन हाउस पंकीमेंट स्कूल तैराकी प्रतियोगिता में स्टूडेंट्स के बीच कड़े मुकाबले देखे गए। बालक और बालिका दो वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता में 250 बच्चों ने हिस्सा लिया। दोनों वर्गों में 50 मुकाबले का आयोजन किया गया। बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक श्रेणी में चार ग्रुप्स के बच्चों ने हिस्सा लेकर एक दूसरे के सामने कड़ी चुनौती पेश की। प्रतियोगिता में कानपुर और उन्नाव के करीब 1.5 दर्जन स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ ACP पनकी तेज स्वरूप सिंह ने किया। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों में भी शामिल होने के लिए प्रेरित किया। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर हरप्रीत कौर ने बताया कि बच्चों को एकेडमिक के साथ ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने के मकसद से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आज हमारे यहाँ इंटर स्कूल स्विमिंग कंपटीशन अरेंज ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स, अराउंड 40 स्कूल से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। एंड हमारा मेन मोटिव यही है इन कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि अकेडमिक के अलावा जो बच्चों को अपने हिडन टैलेंट्स शोकेस करने होते हैं, तो ये अकेडमिक्स एंड नॉन अकेडमिक्स एक मिक्स चलता है, तभी बच्चे की हम होलिस्टिक एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो हम बहुत ऑब्लाइज हैं आज के हमारे चीफ गेस्ट ACP मिस्टर तेज बहादुर सिंह जी के लिए, और साथ ही आज हमारे डायरेक्टर सर जफर सर एंड डायरेक्टर्स मैम फिरदौस मैम भी हमारे साथ मौजूद रहे, तो हम उनके लिए भी बहुत ऑब्लाइज हैं उनके लिए कि उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला। इन सब से बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बच्चे बहुत इनकरेज होते हैं कि अकेडमिक के साथ साथ जिसमें उनका फोर्टे है, अब किसी का स्विमिंग में है, किसी का चेस में है, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, तो इन अलग अलग डायमेंशंस को एक प्लेटफॉर्म देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक सब स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है इस तरीके से प्रोवाइड करनी।